मैं कौन हूँ, पुण्य या पाप? शाहरुख खान का ये डायलॉग, और इसी से शुरू होता है जवान का ट्रेलर। और ट्रेलर ने आधे साथ सोशल मीडिया पर भौकाल मचा दिया है। दीपिका पादुकोण की सरप्राइज एंट्री जो है वो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। एक्शन लाजवाब है। पठान के बाद जवान को देखने के लिए अब फैंस एक्साइटेड है। तो जैसे ही ये प्रीव्यू ट्रेलर सामने आया है, उसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि यार ये तो आते ही छा गया, हमने उम्मीद की थी कि कुछ धांसु मिलेगा, ये तो धमाकेदार मिला है। और ये ट्विटर पर जो है रिएक्शंस हैं, जो एक्शन है वो बहुत स्वैग से भरपूर है, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे पूरा ट्रेलर थोड़ा डार्क ज़रूर लगा, मैं उम्मीद कर रही थी कि कुछ थोड़े से ब्राइट मोमेंट्स होने चाहिए थे। तो मज़ेदार डायलॉग से होती है शुरुआत, जहाँ पे वो कहते हैं मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। एक्शन है इसमें, थ्रिल है, ड्रामा है, नयनतारा मेन रोल में है, और सबसे बड़ी बात सरप्राइजिंग एंट्री जो दीपिका पादुकोण की है वो बहुत ही अच्छी है। वो आते ही किंग खान से पंगा लेती नजर आती है। लगभग 2.25 मिनट का ये ट्रेलर है। खबर है कि फिल्म का ट्रेलर 12 जुलाई को रिलीज होगा। यूएस सर्टिफिकेट मिला है, एक पैन इंडिया फिल्म बनाई गई है। अगर ट्विटर पर जैसे ही ये ट्रेलर आया है उसके बाद के रिएक्शंस अगर मैं कुछ लोगों के पढ़ूं, विजय सेतुपति हैं तो लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ खास ज़रूर देखने को मिलेगा, इन दोनों में कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक लिखते हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड वाला बोलेगा मेरा टकला चुरा लिया। एक ने बोला व्हाट्स अप विद सो मैनी एक्शन मूवीज दीज डेज, वी द 90s जनरेशन नो शाहरुख फॉर रोम कॉम्स। एक लिखते हैं मास ऑल रिकॉर्ड शैटर्ड 7 सितंबर, रेड हॉट खान साहब सेट द स्क्रीन ऑन फायर। तो ये कमेंट्स जो है, एक ने लिखा है ब्लॉकबस्टर, एक ने लिखा है लव यू। तो इस तरीके के कमेंट्स से भर गया है ट्विटर। जैसे ही ये ट्रेलर आया है, 7 को फिल्म रिलीज होगी, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर ज़रूर बताइएगा, और आपको इसमें सबसे खास बात क्या लगी कमेंट में लिखना ना भूलें।